मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सब हैप्पी हैप्पी होंगे। तो अभी छत पे आई हूँ, बारिश होने वाली है शायद, तो कपड़े सुखाए हैं उनको निकालूंगी। और घर हमारा एकदम गंदा पड़ा है, दिखाती हूँ नीचे जाके। अब जब भी मैं छत पे आती हूँ अपने प्लांट्स को थोड़ा निहार लेती हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से बड़े हरे भरे लग रहे हैं, अच्छा लगता है। और यहाँ पर कपड़े सूख रहे हैं, मैंने भी थोड़ा सा कटिंग्स लगाया हुआ है, देखते हैं ये भी अच्छे से ग्रो करते हैं कि नहीं। चलिए काम दिखाती हूँ। यहाँ पे कटिंग का काम चल रहा है। और ये देखिए यश का जो स्टडी रूम है, यहाँ पे कबर्ड लग गए हैं और ये सारा सामान उस छज्जे में था। और ये हमारे रूम का फ्रेम हो गया है, बस डोर लगना बाकी है। और ये जो है शेल्फ, यहाँ पे एक और शेल्फ लगेगा। खैर चाहे जो भी काम हो, भूख तो बराबर लगती है। तो आज लंच में मैंने छोले और साग बनानी है और कुछ साइड आइटम। और रात को ग्रोसरी लेके आए थे तो उनको भी रखना पड़ेगा सही सही जगह पे। और ये मैगी 4 दिन में चट कर जाएंगे बच्चे। सो दोपहर का टाइम है और कारपेंटर वाले भैया खाना खाने गए हैं। यहाँ पे डोर की सारी कटिंग करके चले गए हैं। और ये रहा माइका, ये कल लगेगा शायद। और अभी इवनिंग का टाइम है और इवनिंग को थोड़ा सा चटपटा कुछ खाने का मन तो करता है। मेरे पास कुछ बॉइल्ड काले चने रखे हुए थे तो अभी उसी का चाट बना रही हूँ। तो अभी मैं छत पे आई थी संध्या पूजा करने और यहाँ पे यश माही को साइकिल चलाना सिखा रहा था। जोश जोश में मैंने भी बोल दिया मैंने अपने टाइम पे बहुत साइकिल चलाया था। तो माही ने कहा चला के दिखाओ, तो मैंने भी बोल दिया डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन वुमन। तो उसको दिखाने के लिए साड़ी में भी मैंने थोड़ी देर के लिए साइकिल चला ली। और यहाँ पे मैं अपनी मधुमालती के प्लांट को सपोर्ट दे रही हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे यश अपनी छोटी बहन को सपोर्ट कर रहा है साइकिल चलाने के लिए। थोड़ी देर छत पे रुक के थोड़ा टाइम स्पेंड किया, संध्या पूजा की और फिर नीचे आ गए। और ये देखिए आज का काम, ये तो कल से हो गया था यश के रूम का, ये हमारे रूम का है। और यहाँ पे सारे डोर लग गए हैं, कबर्ड बन गए हैं और ये नीचे का काम होना बाकी है, कल सुबह आके करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।